नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का साइन न्यूज सीरीज में। और हम आपको अभी अभी की ताज़ा खबर बताते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कुछ दिन पहले अनुपमा यादव जी का एक ऑडियो वायरल होता है, जो कि काफ़ी गंदे शब्द में बोले गए होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल और मीडिया, सोशल मीडिया पे लोग कई तरीके से अपने अपने तरीक़ों से उसे अपलोड करते हैं। बट आपको बता दें कि कुछ मिनट पहले सोशल मीडिया पे अनुपमा यादव का एक वीडियो वायरल होता है, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में रोमांटिक डांस करते हुए नज़र आ रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि वो अकेले नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मगही के सुपर सिंगर शिव कुमार बिक्कू जी के साथ हैं। शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव काफ़ी रोमांटिक मूड में रोमांटिक डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है तेज़ी से फेसबुक से, जो कि गोलू कुमार के अकाउंट पे मिला ये वीडियो, और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे ये वीडियो जा भी चुका है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भोजपुरी हमारी, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है, और दिन प्रतिदिन आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के हर एक सिंगर उसे गंदा करने पे लगे हुए हैं। कभी खेसारी लाल कुछ कहते हैं, कभी पवन सिंह कुछ कहते हैं, और कभी मधु त्रिषा जैसा वीडियो वायरल होता है, तो आज अनुपमा यादव जी का एक वीडियो वायरल होता है। अनुपमा यादव का ऑडियो वायरल होने पे कुछ लोगों ने कहा कि ये अनुपमा का ऑडियो नहीं है, उसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो अब वीडियो वायरल हुआ है, क्या ये अनुपमा यादव की जुड़वा बहन है, या फिर अनुपमा यादव है ही नहीं? अब ऐसे भी कई सारे मामले आ जाए अनुपमा यादव के साइड से बोलने वाले। और आप लोग जैसे कारनामे करते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में बने रहते, अपनी इज्जत बनाते हैं और अपने आप को एक सेकेंड में तुरंत नीचे गिरा देते हैं, और आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसा करना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के गाने चलते नहीं हैं, आप लोगों का मार्केट बंद हो चुका रहता है, इसलिए आप लोग ऐसे वीडियो को वायरल कर देते हैं, ताकि हमको सर्च किया जाए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ताकि हमारा जो टैग है ना और हार्ट बनता जाए, हमको ब्लू टिक मिल जाए। आप लोग इस चीज़ में लगे होते हैं। क्योंकि हम ये भी बता दें, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक जो मधु त्रिषा जी थी, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, इस वीडियो में उनको गलत कहने का कोई भी निर्देश नहीं है। उनका वीडियो वायरल होने के बाद उनके फेसबुक पेज पे काफ़ी कम लाइक्स और फॉलोअर में ही उनको ब्लू टिक मिल गया। और हमें लगता है कि आप भी ये सब आप दोनों ने जानबूझकर किया है। क्योंकि हम बताते हैं कि अगर हम किसी लड़के के साथ डांस कर रहे हैं अकेले रूम में, तो वीडियो या तो मेरे फ़ोन में या तो शिव कुमार बिक्कू के फ़ोन में होगा, ये बात सभी समझ सकते हैं। तो उसको वायरल करने का काम किसी और का कैसे हो सकता है? अगर आपने किसी को शेयर किया है तो ज़रूर वायरल हो सकता है। और आप लोग इतने हद तक नीचे गिरते जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के हर एक सिंगर, कि आप लोगों जैसे सिंगरों को भोजपुरी इंडस्ट्री से निष्कासित कर देना चाहिए। आप लोगों का एक गाना नहीं चलना चाहिए, आप लोगों के सारे आईडी फेसबुक को रिपोर्ट मार के उड़ा देना चाहिए। क्योंकि आप लोग इतने गंदे हो चुके हैं कि मतलब कह नहीं सकते। जब भोजपुरी इंडस्ट्री सुधरने का प्रयास करती है, तो आप लोग उसको बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ कारनामा जरूर पेश कर देते हैं। कभी कोई विवाद खड़ा कर देते हैं, तो कभी किसी का ऑडियो वायरल होता है, तो कभी किसी का वीडियो वायरल होता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग का गाना नहीं चल रहा, तो आप लोग इतनी हद तक गिर जाएंगे कि अपनी इज्जत को ही बेच देंगे, है ना? तो आप लोग करते रहिए, अच्छा है। दर्शकों को क्या है, दर्शक तो मज़ा लेंगे, और हमारा भी क्या है, हमारा काम है न्यूज़ बनाना, हम बनाएंगे। अब हमारे पे चाहे 1,000 व्यूज आए, चाहे 100 व्यूज आए, या फिर 1,000,000 व्यूज आए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों को सबक सीखना काफ़ी ज़रूरी है, और आप लोग सबक सीख लीजिए, वरना भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत कम दिनों की रह गई है कि आप जैसे छोटे छोटे सिंगर आके उसे बर्बाद कर देंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री जितनी अच्छी थी, जो लोग मात कहते थे भोजपुरी इंडस्ट्री को, और आप ही जैसे लोग उसे बर्बाद करके अश्लील भरा वातावरण कर देंगे। तो जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ये क्योंकि ये हर एक उस सिंगर के लिए सीख है, और हर एक भोजपुरी इंडस्ट्री एक्टर सिंगर मॉडल के लिए सीख है, जो लोग अपने आप को चलाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। और कुछ लोग मुझे कमेंट में ये भी कहेंगे कि ये लड़की है, लड़की हो के लड़कियों के लिए ऐसे शब्द कह रही है, पर मैं इसलिए नहीं कह रही भाई, मैं भी हूँ, मेरा भी पर्सनल वीडियो होगा, मेरा भी पर्सनल ऑडियो होगा, मेरा भी कोई ऐसे बात नहीं है कि मैं भाई साफ सुथरी हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा, मैं भी बात करूँगी। तो ये तो नहीं है कि मैं वो ऑडियो सबको शेयर करते जाऊं ताकि लोग वायरल कर दें। क्यों नॉर्मल लड़कियों के ऑडियो वीडियो वायरल क्यों नहीं होते? क्यों इन्हीं लोग के वीडियो वायरल होते हैं? क्योंकि उन लोगों को ब्लू टिक चाहिए। आप लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पे पहचान चाहिए, चाहे इज्जत बेचकर जाए, चाहे इज्जत बनाकर जाए।